गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 90 शब्द प्रति मिनट 5 मिनट का है, जबकि 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन को 10 मिनट करने का प्रयास किया गया है, अर्थात दो डिक्टेशन को इसमें मर्ज किया गया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, देन उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 10 मिनट का डिक्टेशन है तो इसलिए पेंसिल को साफ कर लीजिएगा अच्छे से। अगर आप 5 मिनट का डिक्टेशन नहीं लिखते हैं तो 5 मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर चिंता जताते हुए वहां साझा रणनीति की जो जरूरत जताई उसकी पूर्ति कैसे होगी यह भी उन्हें बताना चाहिए। अमेरिका को यह आभास होना चाहिए कि उसने अफगानिस्तान को एक तरह से अधर में छोड़ दिया है, जो मुट्ठी भर अमेरिकी सैनिक वहां बचे हैं वे भी अगले माह के अंत तक लौट जाएंगे। अमेरिकी सेनाओं के इस तरह अफगानिस्तान छोड़ने से ही वहां हालात खराब होते जा रहे हैं और तालिबान बर्बरता के साथ मनमानी करने में लगा हुआ है। अमेरिका ने जैसे अफगानिस्तान को अधर में छोड़ा, वैसे ही वह इराक से भी अपनी सेनाएं बुलाने जा रहा है। उसने यही काम वियतनाम में भी किया था और कोरिया में भी। अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद का खात्मा करने के इरादे से आया था, लेकिन आज वह उसे एक तरह से उन तालिबान के हवाले करने जा रहा है, जो न केवल खुद आतंकियों जैसी हरकतें कर रहे हैं बल्कि अलकायदा और ऐसे ही अन्य आतंकी संगठनों को संरक्षण भी दे रहे हैं। यदि अफगानिस्तान पर फिर से तालिबान का कब्जा होता है तो इसके लिए अमेरिका ही जवाबदेह होगा। भले ही अमेरिका यह कह रहा हो कि वह तालिबान पर हवाई हमले जारी रखेगा, लेकिन ये हमले तब कामयाब होंगे जब अमेरिकी सैनिकों और उसके खुफिया तंत्र कि अफगानिस्तान की जमीन पर मौजूदगी हो। पैरा, अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि यदि तालिबान अफगानिस्तान पर हावी हो जाते हैं तो वहां ऐसी विदेशी ताकतों का वर्चस्व कायम हो सकता है जो इस पूरे क्षेत्र को त्रस्त कर सकती हैं। इसका संकेत तालिबान नेताओं के चीन दौरे से मिलता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि चीन अफगानिस्तान में उस रिक्तता को भरने की फिराक में है जो अमेरिका के वहां से निकलने से उपजी है। चीन ने तालिबान नेताओं को जिस तरह अपने यहां बुलाया उससे यह भी स्पष्ट है कि वह उनका भरोसा जीतने और उनका सहयोग समर्थन करने की कोशिश में है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका होगी। यदि तालिबान के वर्चस्व वाला अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान का खुला मैदान बनता है तो यह भारत के साथ साथ मध्य एशिया के देशों के लिए भी खतरे की घंटी होगी। अमेरिका को खतरे की इस घंटी को अभी से न केवल सुनना चाहिए बल्कि ऐसे हर संभव प्रयास भी
करने चाहिए जिससे अफगानिस्तान सभ्य समाज के लिए खतरा बने, तालिबान की जकड़न में न फंसने पाए। यदि तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज होते हैं तो इससे अमेरिका की साख को चोट पहुंचने के साथ उसकी विश्वसनीयता भी घटेगी। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब आ रही है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन 10 मिनट का है, तो प्लीज़ उसे अच्छे से लिखें ताकि आपके RSMSS भी एग्ज़ाम के लिए काम में आए। ये 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर चिंता जताते हुए वहां साझा रणनीति की जो ज़रूरत जताई उसकी पूर्ति कैसे होगी यह भी उन्हें बताना चाहिए। अमेरिका को यह आभास होना चाहिए कि उसने अफगानिस्तान को एक तरह से अधर में छोड़ दिया है। जो मुट्ठी भर अमेरिकी सैनिक वहां बचे हैं वे भी अगले माह के अंत तक लौट जाएंगे। अमेरिकी सेनाओं के इस तरह अफगानिस्तान छोड़ने से ही वहां हालात खराब होते जा रहे हैं और तालिबान बर्बरता के साथ मनमानी करने में लगा हुआ है। अमेरिका ने जैसे अफगानिस्तान को अधर में छोड़ा वैसे ही वह इराक से भी अपनी सेनाएं बुलाने जा रहा है। उसने यही काम वियतनाम में भी किया था और कोरिया में भी। अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद का खात्मा करने के इरादे से आया था, लेकिन आज वह उसे एक तरह से उन तालिबान के हवाले करने जा रहा है जो न केवल खुद आतंकियों जैसी हरकतें कर रहे हैं बल्कि अलकायदा और ऐसे ही अन्य आतंकी संगठनों को संरक्षण भी दे रहे हैं। यदि अफगानिस्तान पर फिर से तालिबान का कब्जा होता है तो इसके लिए अमेरिका ही जवाबदेह होगा। भले ही अमेरिका यह कह रहा हो कि वह तालिबान पर हवाई हमले जारी रखेगा, लेकिन ये हमले तब कामयाब होंगे जब अमेरिकी सैनिकों और उसके खुफिया तंत्र की अफगानिस्तान की जमीन पर मौजूदगी हो। पैरा। अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि यदि तालिबान अफगानिस्तान पर हावी हो जाते हैं तो वहां ऐसी विदेशी ताकतों का वर्चस्व कायम हो सकता है जो इस पूरे क्षेत्र को त्रस्त कर सकती हैं। इसका संकेत तालिबान नेताओं के चीन दौरे से मिलता है। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि चीन अफगानिस्तान में उस रिक्तता को भरने की फिराक में है जो अमेरिका के वहां से निकलने से उपजी है। चीन ने तालिबान नेताओं को जिस तरह अपने यहाँ बुलाया उससे यह भी स्पष्ट है कि वह उनका भरोसा जीतने और उनका सहयोग समर्थन करने की कोशिश में है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका होगी। यदि तालिबान के वर्चस्व वाला अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान का खुला मैदान बनता है तो यह भारत के साथ साथ मध्य एशिया के देशों के लिए भी खतरे की घंटी होगी। अमेरिका को खतरे की इस घंटी को अभी से न केवल सुनना चाहिए बल्कि ऐसे हर संभव प्रयास भी करने चाहिए जिससे अफगानिस्तान सभ्य समाज के लिए
खतरा बने, तालिबान की जकड़न में न फंसने पाए। यदि तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज होते हैं तो इससे अमेरिका की साख को चोट पहुंचने के साथ साथ उनकी विश्वसनीयता भी घटेगी। पैरा संसद के निचले सदन में विपक्ष की नारेबाजी से आजिज आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे सख्त शब्दों में अपनी नाखुशी जाहिर की, कुछ वैसे ही राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने अपनी नाराजगी प्रकट की। जहां लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों से नारेबाजी की प्रतियोगिता से बाज आने को कहा, वहीं राज्यसभा के सभापति ने संसद सदस्यों को आत्मनिरीक्षण करने और सदन का समय बर्बाद न करने की हिदायत दी। इसमें संदेह है कि इस नाराजगी का कहीं कोई असर विपक्षी दलों के नेताओं पर पड़ेगा। इसके आसार इसलिए नहीं क्योंकि विपक्षी दलों ने पहले से ही यह तय कर रखा है कि कुछ भी हो जाए संसद को नहीं चलने देना है। विपक्ष न केवल एकजुटता के अभाव से ग्रस्त दिख रहा है बल्कि इससे भी कि किन मसलों को प्राथमिकता देनी है और किस तरह। भले ही वह कुछ मुद्दों को तूल देता हुआ दिख रहा हो लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसे इन मुद्दों पर बहस में दिलचस्पी है। यदि ऐसा कुछ होता तो उसकी ओर से ऐसा माहौल उत्पन्न नहीं किया जाता कि संसद चलने ही न पाए। समझना कठिन है कि विपक्ष संसद की कार्यवाही बाधित कर क्या हासिल करना चाहता है। यदि वह यह समझ रहा है कि संसद न चलने से जनता के बीच कोई अच्छा संदेश जाएगा तो यह संभव नहीं क्योंकि जनमानस तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कोई सार्थक बहस चाहता है। पैरा इस पर आश्चर्य नहीं कि विपक्ष के हंगामा मचाने वाले रवैये का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों को उसकी पोल खोलने को कहा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को खास तौर पर निशाने पर लिया। उनकी माने तो कांग्रेस खुद भी संसद नहीं चलने दे रही और अन्य विपक्षी दलों को भी इसके लिए उकसा रही है। वास्तव में यह देखना दयनीय है कि जब कांग्रेस को विपक्ष का नेतृत्व करते हुए उसे दिशा देनी चाहिए तब वह खुद दिशाहीन दिख रही है। आखिर यह उसकी दिशाहीनता नहीं तो और क्या है कि उसने जैसे कृषि कानून बनाने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया था वैसे ही कानून बन जाने पर उनका विरोध कर रही है। बेहतर हो कि वह 2019 में जारी किए गए अपने घोषणा पत्र को फिर से पढ़े या फिर यह स्पष्ट करे कि उसके यू टर्न लेने की वजह क्या है। यदि उसका मकसद किसानों को गुमराह करना नहीं है तो फिर उसे अपना यह घोषणा पत्र वापस लेना चाहिए। उसके रवैये से यही पता चलता है कि विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति किस तरह सिर चढ़कर बोल रही है। इस राजनीति से किसी का भला होने वाला नहीं, आम जनता का तो बिल्कुल नहीं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। इस सीरीज को ऐसे कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम हैंडल आपको पता ही होगा, हिंदी स्टेनोग्राफी एंड हैप्पी स्टेनोग्राफी। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं तो इट्स आंचल जी मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज है तो
अदरवाइज आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपने डिक्टेशन लिखा है, इजी था या डिफिकल्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।